दादा आपका मोह आपके बेटे के लिए काहे नहीं जागता है? हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि आपका प्यार आपके भतीजे के लिए काहे उमड़ता है दादा। बल्लू ठीक ही तो कह रहे दादा, तनी सोचे कितनी ढीठ थी छोटंकी। पहले सबका बात मानने से इनकार कर दिया, उसके बाद चुनौती भी ले ली, फिर पूरे समाज के सामने रोज 100 रुपल्ली लाके देने का वादा की, और उसका ही वादा ही हरीश अपने मत्थे ले लिया। और हरीश का जो हाल था ना, किसी को उस पर भरोसा नहीं था कि वो वादा निभा पाएगा। अब देखिए कितना दुख का बात है कि उसके साथ ये सब हो गया। बाकी ये भी तो सच है ना कि वो अपना वादा नहीं निभा पाया। अम्मा एकदम ठीक कह रही है दद्दा, और हरीशवा की हालत देखकर हमें लगता नहीं है कि कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। अब कहां मालूम कितना दिन और कितना खर्चा लगेगा इसके इलाज में। दद्दा पहले भी हरीशवा की गलती की वजह से जो चित्ता बस्ती ने जो भुगता है वो हम सब जानते हैं, और इतने सालों से इसकी दवा का इसका दारू का जो खर्चा हम चित्ता बस्ती ने उठाया है उसका क्या होगा दद्दा? अभी का ही हाल हो गया है, इतना बोझ दद्दा चित्ता बस्ती कहां से उठाएगी? दद्दा अब अगर इसका मुफ्त में इलाज हुआ ना तो पूरा चित्ता बस्ती आपके न्याय पे सवाल उठाएगा कि दद्दा का जवान का कोई कीमत ना है। दद्दा कमजोर पड़ गया है, इसका प्यार में दद्दा पक्षपात करता है। बल्लू संभल के अपने दद्दा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते तुम। दद्दा इस सब वक्त नहीं है अभी बात करने का, आप तो हमारे मुखिया हैं, आप ही रक्षा कीजिए, हमारे हरीश की आप ही रक्षा कीजिए। दद्दा हरीश को इलाज की जरूरत है। दद्दा दद्दा वैद्य जी बुलाने का आदेश दीजिए, हरीश बहुत दर्द में। दद्दा शिकार किया है ना, जो पूरी बस्ती का बोझ अपने कंधों पर उठा सकते वो बस्ती का बोझ काहे बनेंगे? हमारे बाबा बस्ती का बोझ नहीं है। आपकी 100 रुपल्ली की शरत वो हम पूरा करेंगे, हम कमाएंगे 100 रुपल्ली। जगू